हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल एंड एक और एचआरडीसी बस के सुहाने सफर में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज का सफर हम आपको हमीरपुर से चंडीगढ़ तक करवाएंगे और ये सफर एचआरडीसी ऊना डिपो की हिमधारा एसी बस में रहेगा। वैसे तो हमने पहले भी हिमधारा में आपको ट्रेवल करवाया था, बट आज की वीडियो में स्पेशल बात ये होने वाली है कि ये बस रूट नॉनस्टॉप है, जहां हमें नॉर्मल बस में करीब 6 आवर्स हमीरपुर से चंडीगढ़ के लिए लग जाते हैं, वहीं ये बस 4.5 आवर्स में हमें चंडीगढ़ पहुंचा देती है। ये ऊना डिपो की बस है तो वाया ऊना जाती है, बट हमीरपुर डिपो की बसेज अब वाया बगेड़ होकर 4 लेन से होकर जाती है, तो अब वो इस बस से भी 1 आवर कम समय लेती है, यानी कि हमीरपुर से चंडीगढ़ वाया 4 लेन होकर अब सिर्फ 3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सफर हमारा वाया ऊना होकर रहेगा। उम्मीद है कि आप हमीरपुर से चंडीगढ़ तक मेरे साथ सफर को एंजॉय करोगे बीच में बिना कहीं जाए। तो चलिए चलते हैं इस सुहाने सफर पर और करते हैं वीडियो को शुरू। हेलो दोस्तों, तो आज है 7 जनवरी 2023 की खूबसूरत और सर्दी वाली सुबह और हम 5 बजे पहुंच चुके हैं ISPT हमीरपुर में एंड हमारी बस भी काउंटर पर लग चुकी है। सर्दियों का मौसम है तो 5 बजे रात जैसा ही अंधेरा होता है और यहां से हमारी बस का समय 5:20 पर चलने का है। एंड पिछले कल ही मैंने कंडक्टर साहब से बात करके 3 नंबर सीट खुद के लिए रखवा ली थी एंड सीट के लिए हमारी हेल्प ऊना डिपो के कंडक्टर सुनील भाई ने की थी, तो मैं दिल से शुक्रिया कहता हूँ सुनील भाई को। सुनील भाई के साथ हमने अपना HRTC का फर्स्ट ब्लॉग बनाया था, जो कि इसी रूट का यानी चंडीगढ़ से हमीरपुर तक था, बट उस टाइम इस रूट पर ऑर्डिनरी बस चला करती थी। उसके बाद इस रूट पर हिमधारा एसी बस को चलाया जाता है। तो चलिए पहले आपको हम अपनी बस का अंदर से छोटा सा रिव्यू करवाने ले चलते हैं। तो ये है हमारी बस का कैबिन व्यू। एंड सीटिंग जो रहेगी वो 2x3 की रहने वाली है। अभी 5:10 हो गए हैं बट बस में एक भी सवारी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हमीरपुर से ज़्यादा सवारियां जाएंगी आज। एंड बस अभी स्टार्ट ही है एंड साथ ही बसेस में मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी है, जो कि पैसेंजर्स के लिए बहुत अच्छी सुविधा भी साबित हो रही है। सवा 5 बजे 1-2 सवारियां बस में बैठ गई। ठीक 5:20 पर हमारी बस यहां से चंडीगढ़ के लिए चल पड़ी। हमारी बस ISPT हमीरपुर से चलकर वाया भोटा, सलोनी, महरे, बड़सर, लठियाणी, बंगाणा, उन्ना, नंगड़, आनंदपुर साहिब, कीर्तपुर साहिब, रोपड़, खरड़ से होते हुए ISPT चंडीगढ़ पहुंचेगी एंड डिस्टेंस करीब 200 किलोमीटर का रहने वाला है, जिसको कवर करने में ये नॉनस्टॉप बस करीब 4.5 घंटे का समय ले लेती है। एंड बात की जाए फेयर की तो हमें इस जर्नी के HRTC हिमधारा बस में ₹340 पे करने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम सुहाने सफर को और आज हमारा सफर ड्राइवर अश्विनी अंकल जी एंड कंडक्टर पुनीत अंकल जी के साथ होने वाला है।
बस में ब्लोअर चला हुआ है तो ठंड कम लग रही है, वरना बाहर तो ठंड ही काफी है। और हमीरपुर से बहुत कम गिनकर 6 सवारियां बैठी हैं बस में, एंड कंडक्टर अंकल टिकट्स बनाने में व्यस्त हैं। 5:25 पर हम पहुंच गए दोसड़का, यहां से भी एक सवारी बैठी। पाँच चालीस पर हम भोटा बाईपास पहुंच गए और यहां पर हमें हिमाचल की ट्रैफिक भी मिल गई, यानी कि गद्दियों की भीड़ें। यहां से हम राइट को टर्न भोटा बस स्टैंड के लिए ले लेंगे। सीधे रोड से आप बिलासपुर से होते हुए शिमला के लिए जा सकते हो। फिर 5:45 हम भोटा बस स्टैंड पहुंच गए और यहां से भी बस में एक सवारी बैठी। एंड फिर हम चल पड़े आगे को। एंड यहां हमें दिल्ली से हमीरपुर वाली हिमनी सेमी डिलक्स बस भी मिल गई। हालांकि कीरतपुर मनाली हाईवे बनने के बाद ये बस ऊना से ना होकर वाया बगेड़ घुमारवीं से होकर आती है। और यहाँ हम फिर से हमीरपुर चंडीगढ़ हाईवे में एंटर हो गए। एंड भोटा से निकलते ही ड्राइवर अंकल ने बस में भजन चला दिए, एंड उसके बाद सफर और भी सुहाना हो गया। सुबह सुबह भजन सुनकर बहुत ही सुकून मिलता है। ठीक 6 बजे हम सलोनी पहुंच गए। यहां से भी एक दो पैसेंजर्स बस में चढ़े। सवा 6 बजे हम पहुंच गए महरे। पांच मिनट बाद हम पहुंच गए बड़सर। यहां से लेफ्ट साइड को टर्न लेकर आप शातलाई एंड देवरसिर के लिए जा सकते हैं और यहां से हम जिला ऊना में एंटर हो जाएंगे। बड़सर में हमीरपुर की सीमा समाप्त हो जाती है। ये सामने दिल्ली से हमीरपुर वाली हिमसुता स्कैनिया बस भी मिल गई। और
7:45 हम पहुंच गए बंगाला में एंड यहां हमें HRTC ऊना डिपो की सुजानपुर से चंडीगढ़ वाली ऑर्डिनरी बस भी मिल गई और हम इस बस से आगे निकल गए। बंगाला से 2-3 किलोमीटर आने के बाद ये बस हमसे आगे निकल गई और अब धीरे धीरे सुबह भी होने शुरू हो चुकी है। हालांकि आज मौसम बादल वाला ही लग रहा है एंड आसमान काफी सुंदर लग रहा है। जैसे ही थोड़ा सा उजाला हुआ तो कोहरा भी काफी ज्यादा पड़ा हुआ है। इतने कोहरे में तो रास्ता भी क्लियर नहीं दिख पा रहा है, ऐसे में बस को चलाना काफी मुश्किल भी हो जाता है, मगर फिर भी HRTC के ड्राइवर्स सेफली ड्राइव करते हैं। करीब 7:15 हम एंटर हो गए ऊना शहर में। ये सामने से चंडीगढ़ से जोगिंद्रनगर वाली बस भी निकल गई। सात बीस पर हम ISBT ऊना पहुंच गए और यहां हमारी बस करीब 15 मिनट रुकेगी, उसके बाद हम चंडीगढ़ के लिए चल पड़ेंगे। और जिस काउंटर पर हमारी बस लगनी है वहां अभी हरियाणा रोडवेज की बस लगी हुई है, हालांकि इनका टाइम 5 मिनट पहले चलने का है। एंड जैसे ही हमारी बस के कंडक्टर साहब ने हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर को बस काउंटर से निकालने को कहा तो वो कंडक्टर साहब के साथ बहस करने लग गए, बट बात को आगे ना बढ़ाते हुए हरियाणा वालों ने बस को काउंटर से निकाल लिया एंड उसके बाद हमारी बस काउंटर पर लग गई। एंड ये साथ में सुजानपुर से चंडीगढ़ वाली बस भी काउंटर पर लगी हुई है जो हमें बंगाना में मिली थी।
करीब 7:30 बजे सुजानपुर चंडीगढ़ बस भी चंडीगढ़ के लिए चल पड़ी एंड साथ ही हमीरपुर डिपो की दोहड़ी धबीरी से चंडीगढ़ वाली बस भी ISBD पहुंच गई। उसके बाद ये बस भी काउंटर पर लग गई एंड साथ ही हरोली से कालका वाली नालागढ़ डिपो की बस भी काउंटर पर लगी हुई है। उसके बाद सियोलखड़ से दिल्ली देहरा डिपो की बस भी ISBT उन्ना में पहुंच गई। फिर साथ ही ग्लोर से अंबाला कैंट वाली नालागढ़ डिपो वाली बस भी ISBD उन्ना में पहुंच गई। उसके बाद हरोली से कालका वाली बस भी यहां से निकल गई एंड इस काउंटर पर अब ग्लोर से अंबाला वाली बस लग जाएगी एंड पुनीत अंकल चंडीगढ़ की सवारियों को आवाज लगा रहे हैं। चंडीगढ़ चंडीगढ़ चंडीगढ़। 7:35 पर हमारी बस ISBT उन्ना से चल पड़ी चंडीगढ़ की तरफ। और दोस्तों एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि करंटली नंगल फ्लाईओवर का जो वर्क चला हुआ था वो ओपन हो चुका है एंड सभी बसेस नंगल से होते हुए ही जाती हैं। बट ये वीडियो मैंने जनवरी 2023 में बनाई है एंड दिसंबर 2023 में अपलोड कर रहा हूँ, तो ऊना से हम नंगल होते हुए नहीं जाएंगे क्योंकि नंगल फ्लाईओवर का जनवरी 2023 में काम चला हुआ था। इसलिए ऊना से निकलने के बाद हम कुछ दूर जाकर लिंक रोड के लिए टर्न ले लेंगे एंड उस रोड से होकर आनंदपुर साहिब निकलेंगे। आठ चालीस पर हम एंटर हो गए आनंदपुर साहिब में। यहां से हम राइट टर्न लेकर आनंदपुर साहिब बस स्टैंड को जाएंगे। Thank you.
ठीक 9:45 बजे हम आनंदपुर साहिब बस स्टैंड पहुंच गए। एंड यहाँ से भी कुछ सवारियां बस में चढ़ी, फिर हम चल पड़े चंडीगढ़ की तरफ। आठ पचपन पर हम कीरतपुर साहिब पहुंच गए। यहां से राइट को टर्न लेकर आप वाया फोरलेन होकर मनाली के लिए जा सकते हैं। ठीक 9 बजे हम भरतगढ़ पहुंच गए। यहां पर नालागढ़ और बद्दी जाने वाली कुछ सवारियां भी उतर गई। यहां से लेफ्ट को आप बद्दी और नालागढ़ के लिए जा सकते हैं। यहीं उतर जाना, यहीं से आएगी बस, आगे चलते हो जाएगी। करीब 9:15 बजे हम ब्रेकफास्ट के लिए घनौली के सैनी टूरिस्ट ढाबा में रुक गए। यहाँ हम करीब आधा घंटा रुकेंगे। यहाँ HRTC की कुछ और बसेस भी रुकी हुई हैं, जिनमें हमीरपुर डिपो की धोड़ी देवी से चंडीगढ़ और सुंदरनगर डिपो की मंडी से चंडीगढ़ वाली बस भी रुकी हुई है। जैसे ही हम बस से बाहर निकले तो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हमने ढाबे से एक चाय ऑर्डर कर दी। सर्दियों में वैसे भी चाय पीने का अलग ही मज़ा है। और जैसे ही 9:20 पर संसारपुर टेरेस डिपो की डाडा सिब्बा से चंडीगढ़ वाली बस ब्रेकफास्ट हॉल्ट के लिए पहुंची, वैसे ही मंडी से चंडीगढ़ वाली बस भी यहां से चंडीगढ़ के लिए चल पड़ी। और 9:30 बजे बिलासपुर डिपो की जाहू से चंडीगढ़ वाली बस भी यहां पहुंच गई। नौ पैंतीस पर यहां से धोड़ी धबीरी वाली बस भी चंडीगढ़ के लिए चल पड़ी। नौ चालीस पर डाडा सिबा वाली बस भी चंडीगढ़ के लिए चल पड़ी। 9:50 बजे हमारी बस भी यहां से चल पड़ी चंडीगढ़ के लिए।
करीब 10 बजे हम पहुंच गए कुराली टोल प्लाजा पर। ये हमसे आगे धोड़ी धबरी वाली बस चल रही है, कुछ ही देर में हम इस बस से आगे निकल गए। करीब 10:15 बजे हम खरड़ पहुंच गए एंड हम खरड़ फ्लाईओवर के नीचे से ही जाएंगे क्योंकि हमीरपुर से एक दो सवारियां खरड़ की भी बैठी थी बस में। हालांकि कोई सवारी ना हो तो बसेस फ्लाईओवर के ऊपर से ही डायरेक्ट चंडीगढ़ के लिए निकल जाती हैं। और ये देखिए दोस्तों, हमसे आगे सड़कों पर आज भी शरेआम कोरोना दौड़ रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, बीच बीच में मजाक भी चलता है दोस्तों। हालांकि ये सिटीयू की HVAC बस है जिसका नाम कोरोना है। ये हमारी बस के साथ साथ डाटा सिबा वाली बस भी चली हुई है जिससे हम आगे निकल गए। और फाइनली 10:35 पर हम अपने डेस्टिनेशन चंडीगढ़ ISBT पहुंच गए। यहाँ पर सभी सवारियाँ उतर जाएंगी, देन हमारी ये बस ISBT की पार्किंग में जाकर लग जाएगी। उसके बाद ये बस यहाँ से शाम को 4:40 पर हमीरपुर के लिए चलेगी एंड हम वापस हमीरपुर भी इसी बस से जाएंगे। हमें चंडीगढ़ में थोड़ा सा काम है तो हम वो करेंगे, देन शाम को वापस जाएंगे। लगी पर नहीं घर में।
जी सरदार जी आज समान नाले नहीं आना आना समान नाले आना 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 वीडियो बोले उन्हें मस्से तो यही है नहीं खत्म हुई पेटी रखूंगा खाली दिखवा वो रखू दिया है मैं दिखा लिया हो रहा नहीं आनी तो रखी देनी उठी लुका वो आया चाचा तो इसते तो जगह ठीक है खोली क्यों ना। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जर्नी इस हिमधारा एसी बस में। उम्मीद है कि आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया होगा इस सफ़र को। अगर आपको ये जर्नी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपना बेशकीमती कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड अगर आपको मेरी जर्नी वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली सभी जर्नी वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों आज के इस सफ़र को हम यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं आपको एक नए और सुहाने सफ़र में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।